खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 के दिन इस साल 2023 का सबसे बड़ा महागोचर यानी कि राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जहां पर मायावी ग्रह राहु और केतु दोनों ही एक साथ गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ गुरु चांडाल योग भी खत्म हो रहा है। यहां पर आपको बता दें कि जैसे ही राहु और केतु दोनों ही ग्रह गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, उसके तुरंत बाद अगले 18 महीनों तक 5 राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत में साक्षात माता लक्ष्मी जी विराजमान होने वाली है और अगले 18 महीनों तक उनके भाग्य के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। तो चलिए सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हां मित्रों, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, 30 सालों के इतिहास के बाद 30 अक्टूबर 2023 के दिन साल का सबसे बड़ा महागोचर होने जा रहा है, यानी कि मायावी ग्रह राहु देव जो है वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि राहु का गोचर 30 अक्टूबर की दोपहर को 2:13 पर होगा और इस दौरान राहु अपनी वक्री चाल चलते हुए एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे और उसी के साथ गुरु चांडाल योग का महा असर भी खत्म होगा। दोस्तों, कई राशियों पर गुरु चांडाल योग लगा हुआ था, जिससे 6 महीने से लोगों के जीवन में बड़ी ही परेशानी आ रही थी और स्पेशली 6 महीने से धन संबंधी उनको इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी ना, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि राहु और केतु दोनों ही जो है वो ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह माने जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। ज्योतिष में इनको छाया ग्रह भी कहा जाता है और राहु और केतु के कारण ही कुंडली में कई दोषों का निर्माण होता है, जैसे कि गुरु चांडाल दोष, पितृ दोष, काल सरब दोष, अंगारक योग आदि, ये सभी जो है ना वो राहु और केतु के कारण ही निर्मित होते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि 30 अक्टूबर के दिन जैसे ही राहु और केतु दोनों का ही गोचर होगा, उसके तुरंत बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थै जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। आपको बता दें जिनकी भी मीन राशि है ना, राहु के गोचर करते ही यानी कि 30 अक्टूबर से ही बहुत दिनों से अगर आपके कोई भी आर्थिक तंगी चल रही थी, कोई भी परेशानी चल रही थी ना, तो अब धीरे धीरे समाप्त होगी। इस बार क्या है ना कि भगवान राहु देव आपकी दृष्टि के 5वें भाव में और 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं और साथ ही यह समय आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति दिलाएगा। पिछले कुछ सालों से आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर कोई प्रयत्न कर रहे थे तो उनके भी फलीभूत होने का समय अब इस गोचर में आ चुका है। राहु के गोचर के कारण आपको यात्राओं से प्रसिद्धि प्राप्त होगी और साथ ही अपने भाई और मित्रों से धन भी मिलेगा। सरकारी नौकरी की अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको सफलता की उम्मीद भी बन रही है। उसके अलावा जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है ना, तो राहु गोचर के बाद यानी कि 30 अक्टूबर के बाद अगर आप विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं तो आपका विवाह होने की संभावना भी बनेगी और आपके जीवन में कर्म और धर्म का एक अद्भुत मेल होगा। धार्मिक यात्राओं में साधु संतों की संगत आपको अपने जीवन के प्रति एक नए नजरिए को देने में भी कार्य करेगी। आपके वैवाहिक जीवन में यानी कि मैरिड लाइफ में खुशियों का संचार होगा और समय जो है ना वो आपका आनंददायी बीतेगा और इसी के साथ आपके स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा। और इसके अलावा राहु गोचर के बाद अब तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे, आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। इस समय आप देश और विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं और साथ ही आपको भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। नौकरी में आपको बहुत ही अच्छा पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आगे जाकर दिवाली के आसपास ही आपको कोई भी बड़ा पद मिल सकता है, जिससे आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी और आपका प्रमोशन भी होगा। चलिए राहु गोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी,
कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। यह साल 2023 तो जैसे तैसे आपका निकल गया, लेकिन आने वाला साल 2024 और जीवन के अन्य साल आपके कैसे रहेंगे, आपका भाग्य उदय कब होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, सगाई होने जा रही है, और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए 30 अक्टूबर के बाद यानी कि राहु गोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि में पिछले कई महीनों से गुरु चांडाल योग बन रहा था, जिससे कहीं ना कहीं मेष राशि वाले लोगों के जीवन में दुख तकलीफें परेशानियां चल रही थी, लेकिन अब 30 अक्टूबर के दिन आपका गुरु चांडाल योग खत्म हो जाएगा और साथ ही राहु स्वयं आप ही की राशि में विराजमान थे, जो कि अब राशि भी बदल देंगे, और जैसे राहु राशि परिवर्तन करेंगे ना, उसका सीधा प्रभाव मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। यह समय आपके सभी रुके हुए काम को पूर्ण कराएगा और आपको अपने काम कारोबार यानी कि व्यापार में भी लाभ मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। और वहीं अगर कोई भी मेष राशि वाले व्यक्ति अगर कहीं पर भी फॉरेन में जॉब करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो अब आपकी ये इच्छा भी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि राहु ग्रह आपकी राशि में विराजमान थे जो अब आपकी राशि से हट चुके हैं और इस समय आपका भाग्य उदय करवा रहे हैं। सुख के साधनों में भी बढ़ोतरी होगी और उसके अलावा आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। कुल मिलाकर मेष राशि वाले लोगों के जीवन में राहु का गोचर बहुत ही अच्छे और अनुकूल परिणाम ला सकता है। इस समय अवधि में आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप तरक्की भी प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिल सकती है, किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति भी होगी और साथ ही आपके जो विरोधी है ना, वो आपसे परास्त होंगे। चलिए राहु गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए राहु का गोचर बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। अक्टूबर से लेकर अगले 18 महीनों तक केतु जो है वो तुला राशि से निकल जाएंगे और केतु के कन्या राशि में परिवर्तन से तुला राशि वाले व्यक्तियों को जीवन के कई पहलुओं में सफलता की अनुभूति होगी और बहुत दिनों से लगभग आपके जो भी परेशानियां चली आ रही थी ना, अब वो धीरे धीरे दूर होगी और आपको इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपको ढेर सारा धन भी प्राप्त होगा और साथ ही अगले 18 महीनों के दौरान अचानक से बड़ी मात्रा में आपको धन राशि मिल सकती है और पुराना अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उससे भी लाभ ही होगा। नौकरी में आपको कोई भी बड़ा पद प्राप्त होगा, कोई बड़ा अवसर भी मिल सकता है, आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कह सकते हैं कि यह समय आपका भाग्य उदय करवा सकता है। बहुत दिनों से अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो अब यह तलाश धीरे धीरे पूर्ण होगी और आपको मनपसंद जगह पर नौकरी की प्राप्ति भी बनेगी। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, 30 अक्टूबर के दिन राहु और केतु दोनों ही जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। अगले 18 महीनों तक वृषभ राशि वाले लोगों की इनकम शानदार रूप से बढ़ती चली जाएगी और आपको बहुत सारा धन का लाभ भी होगा। और इसी के साथ जिनके भी वृषभ राशि है ना, राहु के गोचर के बाद आपको अपनी किस्मत का साथ मिलेगा और अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है। जो व्यक्ति व्यापार या व्यापार के काम से जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी पार्टनरशिप में काम करते हैं या स्वयं का कोई भी व्यापार करते हैं ना, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, उनका भाग्य सफल बनेगा और उसके अलावा आपको अपने पिता और पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए राहु का गोचर धन कमाने के नए नए अवसर पैदा करेगा और वहीं संतान से जुड़ी कोई भी
अच्छी या खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो व्यक्ति व्यापारी लोग हैं उनके लिए तो यह समय किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ है और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। मित्रों धनु राशि वाले लोगों के लिए राहु का गोचर जीवन में बहुत ही अच्छी और शानदार खुशियां ला सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी परेशानियां कम होगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप अपनी भावनाओं को वश में रखेंगे। नौकरी के मार्ग आपके लिए प्रशस्त बनेंगे, मतलब बहुत दिनों से अगर आप अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे ना तो अब ये तलाश पूर्ण होगी और राहु और केतु दोनों ही मिलकर आपको शुभ और अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और कहीं न कहीं आपको अपनी इनकम में भी बढ़ोतरी देखने का अनुभव मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खर्चों में कंट्रोल होगा और अपने मन मुताबिक आपको जीवन में परिणाम प्राप्त होंगे। उसके अलावा राहु केतु के गोचर से कई दिनों से जो आपकी परेशानियां चली आ रही थी अब उन परेशानियों का धीरे धीरे समाप्त होगा और पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। फंसा हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। धर्म अध्यात्म कथा वाचन वात्कल्यता या अन्य लोगों का अगर कहीं पर भी कामकाज है ना स्पेशली उनके लिए तो यह धनु राशि का समय जो है ना वो किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।